रोमियों के नाम पौलुस प्रेरित की पत्री पांचवां अध्याय। सो जब हम विश्वास से धर्मी ठहरे तो अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के साथ मेल रखें, जिसके द्वारा विश्वास के कारण उस अनुग्रह तक जिसमें हम बने हैं हमारी पहुंच भी हुई, और परमेश्वर की महिमा की आशा पर घमंड करें। केवल यही नहीं, वरन हम क्लेशों में भी घमंड करें, यही जानकर कि क्लेश से धीरज और धीरज से खरा निकलना और खरे निकलने से आशा उत्पन्न होती है, और आशा से लज्जा नहीं होती, क्योंकि पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया है उसके द्वारा परमेश्वर का प्रेम हमारे मन में डाला गया है। क्योंकि जब हम निर्बल ही थे तो मसीह ठीक समय पर भक्तिहीनों के लिए मरा। किसी धर्मी जन के लिए कोई मरे यह तो दुर्लभ है, परंतु क्या जाने किसी भले मनुष्य के लिए कोई मरने का भी हियाव करे। परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। सो जबकि हम अब उसके लहू के कारण धर्मी ठहरे तो उसके द्वारा क्रोध से क्यों न बचेंगे, क्योंकि बैरी होने की दशा में तो उसके पुत्र की मृत्यु के द्वारा हमारा मेल परमेश्वर के साथ हुआ। फिर मेल हो जाने पर उसके जीवन के कारण हम उद्धार क्यों न पाएंगे। और केवल यही नहीं, परंतु हम अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जिसके द्वारा हमारा मेल हुआ है परमेश्वर के विषय में घमंड भी करते हैं। इसलिए जैसा एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया और पाप के द्वारा मृत्यु आई, और इस रीति से मृत्यु सब मनुष्यों में फैल गई इसलिए कि सबने पाप किया। क्योंकि व्यवस्था के दिए जाने तक पाप जगत में तो था, परंतु जहां व्यवस्था नहीं वहां पाप गिना नहीं जाता। तो भी आदम से लेकर मूसा तक मृत्यु ने उन लोगों पर भी राज किया जिन्होंने उस आदम के अपराध गिनाई जो उस आने वाले का चिन्ह है पाप न किया। पर जैसा अपराध की दशा है वैसी अनुग्रह के वरदान की नहीं, क्योंकि जब एक मनुष्य के अपराध से बहुत लोग मरे तो परमेश्वर का अनुग्रह और उसका जो दान एक मनुष्य के अर्थात यीशु मसीह के अनुग्रह से हुआ बहुत तेरे लोगों पर अवश्य ही अधिकाई से हुआ। और जैसा एक मनुष्य के पाप करने का फल हुआ वैसा ही दान की दशा नहीं, क्योंकि एक ही के कारण दंड की आज्ञा का फैसला हुआ, परंतु बहुत तेरे अपराधों से ऐसा वरदान उत्पन्न हुआ कि लोग धर्मी ठहरे। क्योंकि जब एक मनुष्य के अपराध के कारण मृत्यु ने उस एक ही के द्वारा राज्य किया तो जो लोग अनुग्रह और धर्म रूपी वरदान बहुतायत से पाते हैं वे एक मनुष्य के अर्थात यीशु मसीह के द्वारा अवश्य ही अनंत जीवन में राज्य करेंगे। इसलिए जैसा एक अपराध सब मनुष्यों के लिए दंड की आज्ञा का कारण हुआ वैसा ही एक धर्म का काम भी सब मनुष्यों के लिए जीवन के निमित्त धर्मी ठहराए जाने का कारण हुआ। क्योंकि जैसा एक मनुष्य के आज्ञा न मानने से बहुत लोग पापी ठहरे वैसे ही एक मनुष्य के आज्ञा मानने से बहुत लोग धर्मी ठहरेंगे। और व्यवस्था बीच में आ गई कि अपराध बहुत हो, परंतु जहां पाप बहुत हुआ वहां अनुग्रह उससे भी कहीं अधिक हुआ, कि जैसा पाप ने मृत्यु फैलाते हुए राज्य किया वैसा ही हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा अनुग्रह भी अनंत जीवन के लिए धर्मी ठहराते हुए राज्य करें।